मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा दीप करोर की अनंत कथाओं में आज चौथी कथा हम आपको सुना रहे हैं। बहुत विश्वविख्यात कथा है ये। बाबा दीप करोर जी एक बार गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद जा रहे थे। ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में जब वो बैठे हुए थे उस समय ट्रेन का टीसी टिकट कलेक्टर आया और उसने टिकट दिखाने को कहा। बाबा मौज में थे। बाबा ने कहा मेरे पास कोई टिकट नहीं है। उसने गाड़ी रुकवा दी और बाबा को नीचे उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लेकिन उस समय ऐसी घटना घटी जिसने बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का परिचय दिया। और कहते हैं जब तक चमत्कार नहीं होता तब तक नमस्कार भी नहीं होता। अब ट्रेन को चलाने के लिए सिग्नल दिया गया लेकिन ट्रेन चल नहीं रही थी। चालक दल ने प्रयास किया, ट्रेन चली नहीं। वहां जो भी उनका तकनीकी स्टाफ था उसने प्रयास किया, ट्रेन वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। फुल स्टीम देने के बाद भी ट्रेन चल नहीं पा रही थी। काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद कुछ लोगों ने उस अंग्रेज अधिकारी से कहा कि भाई अब आप ट्रेन नहीं चलवा पा रहे हो तो एक काम कीजिए, जिन बाबा को आपने उतारा है ट्रेन से उनको आप ट्रेन में बैठा लीजिए। पहले उसकी समझ में नहीं आया, फिर भी प्रयास चलते रहे। लेकिन कहते हैं कि मरता न क्या करता, वो बाबा के पास आया और उसने बाबा से क्षमा याचना करते हुए कहा कि आप आइए गाड़ी में बैठ जाइएगा। बाबा ने कहा कि भाई देख लीजिएगा, भारतवर्ष में साधु संत होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है, टिकट नहीं ले पाते हैं, ये यात्रा करते हैं, तो उन्हें बेइज्जत मत कीजिएगा आप। दूसरा एक काम और करें कि अब गाड़ी जब यहां रुक गई है तो यहां एक स्टेशन बन जाता है। अधिकारी ने दोनों चीजों को स्वीकार किया और बाबा को गाड़ी में बिठाया। बाबा गाड़ी में बैठे, त्यों ही गाड़ी चलती। ये घटना बाबा की आध्यात्मिक शक्ति को प्रदर्शित करती है। राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल के एम मुंशी ने इस घटना को अपनी पुस्तक में लिखा है। और ट्रेन के रुकने की ये घटना पूरे विश्व में बाबा नीम करोर जी के नाम से विख्यात है। उस समय बाबा का नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जहां वो ट्रेन रुकी थी वो गांव नीम करोरी था। फर्रुखाबाद जनपद में एक गांव नीम करोरी है जहां से ये ट्रेन गुजरती है। बाद में बाबा ने उस गांव में तप किया, अपनी लीलाएं की और बहुत समय तक वहां रहे। विशेष बात ये और रही कि बाबा लक्ष्मण दास जी एक नए नाम के रूप में जो अब पूरा विश्व विख्यात हो चुका है नीम करोरी बाबा के नाम से जाने जाने लगे। विश्व में उनके आश्रम हैं, मंदिर हैं, आज हर जगह इसी नाम को बाबा नीम करोरी के नाम से जाना जाता है। ये एक गांव है जहां ये पहली चमत्कारिक घटना दिखाई थी। लोग तो इसे चमत्कार कहते हैं लेकिन हमारा मानना है वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति में बहुत बल होता है और इस घटना से बाबा का नाम चारों तरफ फैलने लगा। बाबा की और अनेक चमत्कारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैं आपको सुनाऊंगा। ये घटना, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।